नमस्ते है जी, दैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ दैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, आज कानों से जुड़ी सारी समस्या को ठीक करने वाली एक शानदार मुद्रा के बारे में हम चर्चा करेंगे। केवल मुद्रा जो कान से जुड़ी सारी समस्याओं को हील करेगा, चाहे कानों से कम सुनाई दे रहा हो, चाहे कानों में कुछ और प्रॉब्लम आ रही हो, पानी निकल रहा हो, दर्द हो रहा हो, या जो भी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पानी में नहाते हैं गोता लगा करके, उसके बाद एक कानों में दर्द होता है, तब भी ये मुद्रा बहुत काम आने वाली है। लेकिन ये सिर्फ कान के इलाज के लिए नहीं, बल्कि हमारे बहुत सारे आध्यात्मिक बल, बहुत सारे हमारे स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के लिए भी है। इस मुद्रा का नाम है शून्य मुद्रा। पिछले वीडियो में हमने आकाश मुद्रा को समझा था। आकाश मुद्रा के बारे में भी हमने ये समझा था कि वो थायराइड ग्लैंड को अच्छा करता है, थायराइड से जुड़े समस्याओं को अच्छा करता है। मतलब कि जब शरीर में आकाश तत्व की कमी हो गई हो तो उसे भरता है, उसकी आपूर्ति करता है, उसकी डिफिशियंसी को खत्म करता है। आज्ञा चक्र जो हमारा हमेशा सारे चक्रों को रूल कर रहा होता है, जब किसी कारणों से आकाश तत्व को हमारे विशुद्ध चक्र तक नहीं पहुंचा पाता, तब हम आकाश मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आकाश मुद्रा के प्रयोग से आज्ञा चक्र आकाश तत्व को बढ़ा देता है शरीर में, और उस समय हमारा शरीर आकाश तत्व को धारण नहीं कर पा रहा होता, तो उसे बैलेंस करने के लिए हम बनाते हैं शून्य मुद्रा। आकाश मुद्रा हमने ऐसे बनाया था, बिल्कुल उसे ही आगे बढ़ाते हुए हमारी मिडिल फिंगर को हमें अंगूठे के सबसे नीचे वाले छोर पर लगा देना है और अंगूठे से उसे दबा देना है। इस तरह से ये तैयार होता है शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा बेसिकली एनर्जी को बैलेंस कर रहा है। आकाश तत्व को जो मुद्रा बैलेंस कर पाई, मतलब हम अपने पांचों महाभूतों में सिर्फ आकाश तत्व को अगर बैलेंस करते हैं तो सभी महाभूत बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं, सारी ऊर्जाएं बैलेंस होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये विशुद्धा चक्र इसका मुख्य चक्र है। इसलिए उसके सबसे करीब का जो चक्र है अनाहत चक्र और आज्ञा चक्र, ये भी इससे हमेशा जुड़े हुए होते हैं। तो आज्ञा आपके अनाहत चक्र में उससे जो ऊर्जा आ रही है, उस वजह से जब भी आप शून्य मुद्रा का प्रयोग करेंगे आप बहुत जल्दी समाधि में उतरेंगे। तो जो लोग भी समाधि के लिए अभ्यास कर रहे हैं, वो ध्यान मुद्रा से आगे बढ़कर शून्य मुद्रा में चले जाएं। शून्य मुद्रा का प्रयोग करके हम बहुत जल्दी समाधि तक पहुँचते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में आकाश तत्व बैलेंस होना शुरू हो जाता है। मेक श्योर, हमेशा ये याद रखना कि आकाश तत्व को बढ़ाने के लिए हमें आकाश तत्व की मुद्रा की जरूरत है, आकाश मुद्रा की जरूरत है, और उसे ही बैलेंस करने के लिए शून्य मुद्रा की आवश्यकता है। तो जब भी शून्य मुद्रा का अभ्यास करेंगे, एक या दो मिनट आकाश मुद्रा का प्रयोग कर लेंगे। आकाश मुद्रा में हम पहले ध्यान लगाएंगे और आकाश तत्व को बढ़ा करके उसे ही हम संयमित करेंगे। ध्यान रखना, बैलेंस करने के लिए वो ऊर्जा को कम नहीं कर रहा, बल्कि हमारे धारण क्षमता को, हमारी धारक क्षमता को बढ़ा रहा है। इसे कुछ ऐसे समझते हैं कि ये बॉटल है, मतलब ये आपका शरीर है, इसमें पानी हम भर रहे हैं। हमने बॉटल का ढक्कन खोला और हमने पानी मांगा। अब पानी इसमें आ रहा, पानी ज़्यादा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? उस ज़्यादा पानी आ गया तो उसे बैलेंस करने के लिए पानी को या तो बाहर फेंकेंगे या तो इस बॉटल को बड़ा करेंगे। शून्य मुद्रा से हम बेसिकली बॉटल को बड़ा कर रहे हैं, हमारी धारक क्षमता को बड़ा कर रहे हैं, ना कि ऊर्जा को कम कर रहे हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे बड़ा होगा, ये अन्नमय कोश प्राणमय कोश कैसे बड़े होंगे? ऊर्जा लेवल पे आप कितने भी बड़े हो सकते हैं। आपने सुना है ना किसी की आभा मंडल
3 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, 1 किलोमीटर तक की होती है, और इनकी हवामंडल मतलब ऑरा 1 इंच की भी होती है, 8 मीटर की भी होती है, और 1 किलोमीटर तक की भी होती है। स्वामी विवेकानंद के बारे में लोग कहा करते थे उस समय में कि जब वो आते थे तो उनके आने से काफ़ी समय पहले सबको आभास हो जाता था, आम लोगों को भी आभास हो जाता था कि स्वामी जी आ चुके हैं, एयरपोर्ट में उतर चुके हैं। इतना पावरफुल ऑरा हो सकता है, हो जाता है। तो बेसिकली शून्य मुद्रा का प्रयोग करने से आपकी धारक क्षमता को बढ़ा देगा आकाश तत्व की, जिससे आपका जैसे कि थायराइड ग्लैंड हो गया, अगर ये हाइपर एक्टिव हो रहा है, बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है इसमें हार्मोन, तो भी उसे बैलेंस करेगा। इसी के साथ हम हृदय चक्र से अगर हम इसकी बात किए ही है तो हमेशा याद रखना, अगर हम समाधि तक पहुंच रहे हैं तो समाधि में पहुंचने के रास्ते में एक नाद सुनाई देती है हमें, जिसे हम अनहत नाद कहते हैं या अनाहत नाद कहते हैं या अनहात नाद, कई तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। वेदों में इसे अनहत नाद कहा जाता है, संस्कृत शब्द है ये। तो जब अनहत नाद हमारे हमारे कान में सुनाई देने लगता है, मतलब कि ये ब्रह्मांडीय जो ध्वनि है, जब सब शांत हो जाता है तब एक ध्वनि बच जाती है, वही शून्य है, वही स्रोत है, वही ऊर्जा है। तो आप उस ऊर्जा को सुन पाते हैं और तभी आप समाधि में पहुंच पाते हैं। हार्ट से संबंधित बीमारियों को भी ये ठीक करता है, हृदय रोगों के लिए बहुत अचूक उपाय है। जब किसी को भी हृदय रोग से गुजर रहा हो कोई इंसान, तो उन्हें यही सजेशन देना आप कि शून्य मुद्रा लगा करके ध्यान करें, प्राणायाम और ध्यान करें। एक एज के बाद होती है ना लोगों को, जब उम्र थोड़ी बढ़ने लगती है तो शरीर में सुन्न होने लगता है, शरीर सुन्न होने लगता है। ये उनकी बात है जो हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करते हैं, जो योग प्राणायाम नहीं करते हैं, अच्छा खान पान नहीं रखते हैं, तो उन्हें इस तरह की समस्याएं होती है। तो उस कंडीशन में इस मुद्रा का प्रयोग करके अगर आप उन्हें प्राणायाम करवाएंगे, और आप अपनी हीलिंग तो आप दे ही रहे हैं या आप अपनी हीलिंग कर ही रहे हैं, तो बहुत जल्दी उन्हें फ़ायदा मिलेगा। तो इसका भी प्रयोग करें, क्योंकि विशुद्धा चक्र से ऊपर आज्ञा चक्र होती है, तो आज्ञा चक्र से ही हमारे विचार पैदा होते हैं। तो शून्य मुद्रा का प्रयोग करने से हमारे विचार क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं, मतलब हम क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोलेंगे, यह हमें पता होता है, और उससे आपकी वाक शुद्धि हो जाती है। कि अगर विचार सही होंगे तभी विशुद्धा सबसे अच्छा काम करेगा, है ना। तो आज्ञा चक्र, अनाहत चक्र दोनों ही इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये विशुद्धा चक्र का प्रधान मुद्रा है। अब चलिए जादू के बारे में सुन रहे हैं तो जादू के प्रिकॉशंस को भी समझ लेते हैं, क्योंकि जादू की किताब के आखिर में ही नियम और शर्तें लिखी होती है ना। तो इन दोनों मुद्राओं को, पिछली मुद्रा थी आकाश मुद्रा और ये शून्य मुद्रा, उस टाइम पे भी मैंने बताया था, खड़े होकर नहीं करना, चलते चलते नहीं करना। आप इसे एक हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों हाथ से करें तो इसका फायदा एक साथ आपको ज्यादा मिलेगा। सबसे उत्तम होगा कि इसे करने से पहले प्राणायाम कर लें, मतलब सांसों पर ध्यान लगा लें, सांसों की गति पर। हम जो भी करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपाल भाती प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, इनमें से कोई भी एक आप कर लें 1 मिनट 2 मिनट, ताकि आप स्थिर हो जाए। स्थिर होने के बाद इसे करें, चाहे तो आप इन मुद्राओं को लगाकर भी प्राणायाम कर सकते हैं, मतलब कि प्राणायाम करना शुरू किया, मुद्रा लगाने के बाद भी कुछ देर प्राणायाम किया, क्योंकि कुछ समय के बाद आप वैसे भी शांत हो जाएंगे। तो प्राणायाम का प्रयोग कर लें ताकि आपके शरीर में प्राण बढ़ जाए। पूरे दिन में 45 मिनट से ज़्यादा कभी मत करना, दिन में 3 बार करें, इसका लाभ सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा कर पाना है तो दिन में 3 बार करें। तो उचित है कि 15-15 मिनट के 3 बार कर लें, या फिर पहली बार में आधे घंटे कर लिया तो दूसरी बार में 10 मिनट और आखिरी बार में 5 मिनट किया। तो इस तरह से आप टाइम बांट सकते हैं। सबसे अच्छा रिजल्ट जो लोगों को मिलता है वो 15-15 मिनट के सेट से ही मिलता है। वायु तत्व तो अगर बढ़ा हुआ है तब नहीं करना। वायु तत्व तो बढ़ा है, ये कैसे पता चलेगा? घुटनों में दर्द है, कंधों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, हाँ साइनसाइटिस
फील हो रहा है, हेडेक हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, तो समझ जाइए कि वायु तत्व शरीर में बढ़ा हुआ है। तो उस समय इन योग मुद्राओं का प्रयोग बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि वायु मुद्रा भी बहुत जरूरी है इन दोनों मुद्राओं के साथ। तो चलिए मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते जी।